हाय गाइस, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मोहित डोगरा व्लॉग्स। कैसे हो आप सभी, उम्मीद आपसे बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं सुबह सुबह आप देख रहे होंगे कि यूनिफॉर्म के बिना कहाँ जा रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैं तो कॉलेज आता हूँ यूनिफॉर्म डाल के। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपने पुराने इंस्टीट्यूट जो कि है गवर्नमेंट ITI कठुआ, वहाँ पे आज मेरा एग्ज़ाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। सो गाइस, मैंने सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए। सो गाइस, अभी मैं रेडी होके खड़ा हूँ रोड पे, बस का वेट कर रहा हूँ, 9 बजे वाली बस में जा रहा हूँ, एग्ज़ाम है उधर, 1 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा। सो गाइस, चलिए फिर चलते हैं। गाइस, अभी मैं गाड़ी में उतरा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 10:04 और एग्जाम शुरू होगा 10:30। मॉर्निंग व्यू अपने कठुआ बाजार का, एंड दिस इज द मॉर्निंग व्यू ऑफ मुखर्जी चौक। ये है मूनलाइट सिनेमा हॉल, एंड वो लगा बैनर द कश्मीर फाइल्स का। सुबह सुबह ही नाका, मैं सालों के बाद पेपर देने जा रहा हूँ। 12th के बाद कोई पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है जैसे कि कोरोना ने कोई पेपर होने नहीं दिया। पढ़ा भी सारा कुछ ऑनलाइन ही है, दो पेपर ऑफलाइन, तो देखते हैं क्या बनता है। एक पेपर आज है, एक पेपर परसों है। जैसे कि अगर आपने ITI की होगी, आपको पता होगा एक ITI में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला पेपर कंपलसरी होता है। अपनी ITI खाली खाली लग रही है, बच्चे नहीं है शायद। जब हम यहाँ पे आते थे ना, तो इस वाली बिल्डिंग का नामो निशान भी नहीं था, बट ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार होगी। बस हमारा ITI का एक दोस्त, हाय कर दे। इसको हमने देखा होगा भगत सिंह पार्क वाले व्लॉग में। अभी हम सारे जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर देख के मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस, तो अभी मेरा पेपर हो चुका है और ठीक ही हुआ, एवरेज, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। तेरा पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा ही हुआ यार। कितने नंबर का किया? 40 का, 50 क्वेश्चन थे, इसने 100 किए है ना। सोनी 40 यार। इसमें ये आना था। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया हुआ भाई। कितना बढ़िया हुआ? 50 में 100 करके आया। 200 करके आया यार। कितने करके आया? 200। पास तो हो जाऊंगा, मेरे को ही पता है इतना इंटेलिजेंट। पास तो हो जाऊंगा, मेरे को ही पता है इतना इंटेलिजेंट। भावे आप तो क्लास का कैम लगता फेल हो जाएंगे भावे। क्या बोला तूने? अभी पेपर्स के बाद यहाँ पे हो रही है डिस्कशन है, कौन पास है कौन फेल है, बट मैं इन मामलों में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, सही बात है, सही बात है। पेपर हमारा ऐसे हुआ है भाई। ये अपने अंदोत्रा भाई, हाय कर दो भाई। मोहित डोगरा को सब्सक्राइब करो। पेपर होया खतरनाक, आंढ गुआंढ वाले बड़े हेल्प किए। आंढ गुआंढ वाले कौन थे? आंढ गुआंढ वाले तू भी हाइक बीच, तब ठीक है यार। एग्जाम हमारा अच्छा हो गया, हमने कर लिया अपनी मेहनत से। खुद चीटिंग करनी भी नहीं चाहिए, बात होती है भाई। चीटिंग करो, नजारे लाओ। जिम्मी ने बताया था 4-5 क्वेश्चन, वो भी गलत बताया। अच्छा हो गया पेपर आपका। हिज नेम इज जिम्मी भाई, आपका और मेरे को इसने बताया था जो ब्लॉग बना रहा है, उसने मेरे गलत कराए। मैंने क्या गलत कराया यार, मैंने किसी को नहीं बताया। हमने ठीक लिखे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं गलत कराए हैं। कल एक पेपर हो रहा है, 20 से पास बैठ ले मेरे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अभी मंडे वाला पेपर उस्ताद तेज रावणी, उस्ताद तेज रावण, तेज मैरी को होता, तेज मैरी को होता, तेज मैरी को होता। ओके ब्रो। वैसे यहाँ पे 2 शिफ्ट्स में पेपर है, हमारी मॉर्निंग शिफ्ट थी, अभी इवनिंग शिफ्ट शुरू हो गया है, तो इवनिंग वाले बच्चे आ रहे हैं अभी और हम सारे जा रहे हैं। अभी अभी हमारा प्लान बना है मेले जाने का। यहाँ पे फिर से नाका लगा हुआ है, सुबह भी लगा था नाका। हाँ गुरमित्या, की चक्कर है? वो कितने जा रहे हैं उधर? आ जा भाई, केड़ी पाए हमारा नाम। एंड गाइस, वंस अगेन इन जम्मू कार्निवल। हमने पिछला व्लॉग भी यहाँ से देखा, तो एक बार फिर से हम आए जम्मू कार्निवल। और ये क्या भाई, ये क्या क्या हुआ भाई? ये चीज पहले नहीं थी इधर, तो कोई बात, 10 रुपए एंट्री। आई हैव देसी जुगाड़ फ्रॉम देयर। कौन सा देयर? फ्रॉम देयर। गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंट्री टिकट नहीं है। अभी भी कौन सी है, झूठ बोल रहा है। अभी यहाँ पे इन्होंने काउंटर लगा दिया एंट्री टिकट का। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये मेला ज्यादा तगड़ा वाला मेला जो होता है वो शाम के टाइम होता है, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, 9 बजे तक होता है। अभी धूप है इसलिए लोग यहाँ पे नहीं आते हैं गर्मी के कारण। तो गाइस,
उस दिन मैं आपको बताना भूल गया था ये बात है, तो मुझे भी व्लॉग बनाने के बाद में पता चला था। वैसे जिस दिन मैंने व्लॉग बनाया था इधर उस दिन दुकानें बहुत कम थी, बट आज दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया शाम को तो और भी ज़्यादा दुकानें लगती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। भाई ये क्या है इधर? ये अभी मीठा पानी ये देखिए मेला। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? घर कहाँ है? इधर है। ये जो हमारे दो मुड़े आए हैं मार के, ये इधर उधर लुको रहे हैं। नो 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 और बाजार कडुआ कटवा। वैसे हमारे भैया का नया ऑटो है, आ जाओ जो बाजार नगरी अड्डे। भाई क्या सिस्टम है इसका? 30 रुपए में 6 बॉल आएंगी आपकी। अच्छा 6 बॉल आपने वहाँ से फेंकनी है, यहाँ से। अच्छा जौन से नंबर में आएगी प्लस कर लेनी है, जो सा नंबर आएगा उनमें से आपको प्राइस मिलेगा। अच्छा ये है कि खेले कितने पैसे? 3 रुपए 30 खेल लिया, खेल लेते हैं। चल ये सट तक इन्होंने आ गए तक सट गए होते हैं भाई। सेट क्या है? बॉल चिपकाई है ना कुछ है? बॉल है कि नींबू है? अरे चल ठीक है भाई गुड। और दे सकते हैं गार्ड गार्ड विल कर मुड़े ब्याह होने वाला मारे कल बात नहीं है बड़ा यहां ठीक है भैया हम जाने के ना 151 रुपए कन्ना 151 रुपए नाल ठूठी नाल लाल सूट कन्ना खांदे किलो ते कन्ना शेरमानी कन्ना 6 नंबर बूट तू अटनिया ना यार ए देखो बस अब जाओ ना क्या हो गया अभी हम जाएंगे पीरपुरी खाने। भाई बुरी हाल तो हो रही है आज, गर्मी बहुत है यार और ये घुमाए जा रहे हैं यार, कहाँ फंस गया मैं इनके चक्कर में। भाई कितने कितने वाली है? 10 का 20 का कितने वाले खानी है? 10 40 का 40 ग्राम पहले मुझे डॉलर जल्दा पाकिस्तानी नोट चलो दो चार दे दो 10-10 वालियाँ। वैसे आगे टेस्टी बेलपुरी तूने खाई भाई टेस्ट है? तूने खाई भाई टेस्ट है? मैंने यारे बांध दिए हैं इसने। भाई इधर ही लगाते हो रोज कठुआ से जो भी मेरी वीडियो देखेगा। ये देखिए केव है गुफा इधर बीच बाजार में, यहाँ पे भाई लगाते हैं। हमारा नाम ले लेना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेगा डिस्काउंट भाई? बिल्कुल मिलेगा भाई आपको, ज्यादा बेलपुरी मिलेगी 10 रुपए की। तो अभी हम खाते हैं इसको। था भाई की बेलपुरी थी बहुत ज्यादा तीखी, और बेलपुरी खाने के बाद हमें लगी है बहुत ज्यादा प्यास। और ये है पानी पीते हैं यहाँ। भाई की बेलपुरी बहुत टेस्ट थी भाई, एक और लगा दे यार, 3 4 कहाँ गया? आ जा खा ले, चौथी दिन में खा लो। चलो 3 लगा दे भाई, 10-10 वाली। से दूसरी बार हम खा रहे हैं बेलपुरी, वो भी बीच पे। सो गाइस अभी मैं उतर चुका हूँ लखनपुर में, और पीछे वाली गाड़ी में आया मैं, और यहाँ से मैं पकड़ूंगा बस सामने से। बट उससे पहले खाएंगे लखनपुर के मशहूर पल्ले, क्योंकि लखनपुर आके अगर पल्ले नहीं खाए तो क्या खाया। बट लगते ख़राब हैं, सेहत के लिए बुरे होते हैं, बट मैं फिर भी खाऊंगा। चलिए फिर सीधे जाते हैं पल्ले वाली दुकान पर। वैसे पीछे वाली बस में जाना है, मैंने बैग रख दिया मैंने उसमें, चलते हैं अंकल के पास पल्ले खाने। नमस्ते अंकल जी। चंद लिया
अभी आ गए स्कूल से? कितने सालों बाद डाली यूनिफॉर्म? 2 साल के बाद लगभग। 2 साल के बाद कैसा लग रहा? काफी अच्छा लग रहा है। चल ठीक है फिर, चल कर। और बता, आ गए स्कूल से? कब गया था? बाहर को। कितने बजे? 1 बजे। एक बजे लगता है स्कूल? हाँ। क्यों? ऐसे ही भाई, 1 बजे कौन सी टाइम है यार। तो बस गाइस, पहुंच गया मैं घर पे। आज कुछ इस तरह से रहा पूरा दिन। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।